बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ डॉक्टर तारिक लीम, सदर पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी आल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉज ग्रेड अलायंस। आज हमारी मीटिंग थी मोहतरमा इरम बुखारी से, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, इस हवाले से कि मुस्लिम मुलाजमी की तनख्वाहों में जो डिस्पैरिटी है उसको किस तरह कम किया जाए। तो उसमें फिनांस के लोग मौजूद थे, दीगर महकमों के लोग मौजूद थे, हमारी तरफ से जनाब जफर अली खान साहब जो आपका पंजाब के सदर हैं, सुल्तान मुजद्दी साहब, सरफराज कदीम अशरफी, राना असद और मैं शरीक हुए, छः लोग हम। तो हमने वहाँ पे काफ़ी सारी तफसीली बातें हुई, बहुत सारी ऑप्शन हमारे आगे रखी गई। बहर बहुत खुशी की बात यह कि गवर्नमेंट ने एक तो ये तस्लीम कर लिया कि डिस्पैरिटी मौजूद है और इसको कम होना चाहिए। पहली जो हमारी ख्वाहिश थी कि 25% फौरी तौर पर कम कर दें, गवर्नमेंट ने इसको मुतालबे को मान लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने यह कहा कि वो मार्च से इसको पर अमल नहीं कर सकते। अलबत्ता बजट से पहले पहले वो तमाम सरकारी मुलाजमी जिनकी डिस्पैरिटी है उनको 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दे दिया जाएगा। उनका कहना यह था कि 25% आप ये अलाउंस दे दें बजट से पहले, जब गवर्नमेंट का इरादा 10% तनख्वाह बढ़ाने का या इससे ज़्यादा कोई बढ़ाएंगे तो आपको ये फिर 35% हो जाएगा। तो हमने ज़ाहिर जब मुज़ाकरात में जाते हैं, जब एहतियात में जाते हैं, तो सारी बातें तो नहीं मानी जाती। हम इसको एक अच्छी ऑप्शन समझते हैं कि हमारी तनख्वाहों में अगर बजट से पहले पहले 25% इजाफा हो जाए तो ये एक हमारे लिए खुशगवार बात है। तो हम इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी तमाम कम्युनिटी को, तमाम सरकारी मुलाजमीन को, कि उनकी तनख्वाह में गवर्नमेंट तस्लीम कर लेकर 25% इजाफा होना है। मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ हमारे जो ग्रैंड लाइन्स के सरपरस्त आला थे हाफिज़ अब्दुल नासिर साहब, जो हमारे चेयरमैन थे जनाब खालिद जावेद संगेड़ा साहब, सीवा के आमिर नदीम साहब, मोहम्मद सफदर जो एजुकेटर्स के सदर हैं, और दीगर अहबाब रुखसान अनवर थी हमारे साथ लेडी हेल्थ वर्कर, इन लोगों ने बड़ी जद पिछले 8-10 माह से ये जद्दोजहद कर रहे थे और आखिर उसका आज हाल ये मिला कि गवर्नमेंट ने 25% इजाफा मंजूर कर लिया है जो बजट से पहले हमें मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।